So, dear students, in today's class, we are going to study about Boolean functions and M notation. जैसे last class में हमने Boolean algebra पढ़ा था, तो Boolean algebra का ही एक part होता है Boolean function, जो कि हमें बहुत important sections है, और ये भी unit 4 का एक part है, emerging domain in electronics engineering. और इसके अलावा M notation, यानी कि mean terms and max terms के बारे में भी आज की class में हम लोग पढ़ेंगे. तो चलिए आज की class शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुलियन फंक्शंस के बारे में. बुलियन फंक्शन, ओके. तो एज सच बुलियन फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इसको हम एक लाइन एक पॉइंट में हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं. यानी कि बुलियन फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय बुलियन फंक्शन इज described by कैसे डिस्क्राइब करते हैं इसको, an algebraic expression by an algebraic expression called boolean expression okay. और बुलियन एक्सप्रेशन में क्या क्या कंसिस्ट करता है, विच कंसिस्ट बाइनरी वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट लाइक 0 and 1, कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज लाइक 0 and 1, एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक कोई बुलियन फंक्शन लिया f(a, b, c, d), यानी कि दिस इज द फंक्शन विच इज गिवन एज a प्लस बी बार सी प्लस ए डी सी प्लस ए बार सी डी, इस तरीके से. अब नाउ ये जो पार्ट है, यानी कि पहला वाला फर्स्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड बुलियन फंक्शन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन फंक्शंस बोलते हैं, ओके. और ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये होता है बुलियन अलजेब्रा यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन, और ये होता है बुलियन एक्सप्रेशन, ओके. सो अब इसको जो है हम बुलियन एक्सप्रेशन को हम ट्रुथ टेबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे मान लो कि बुलियन फंक्शन, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बुलियन फंक्शंस का. एग्जांपल के लिए लेट अस बुलियन फंक्शन, गिवन बुलियन फंक्शन, बुलियन फंक्शन इज गिवन बाय f(3) a, b, c इज इक्वल टू a + bc. अब इसको वी कैन रिप्रेजेंट, द बुलियन एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई ट्रुथ टेबल, ओके. सो यानी कि द बुलियन फंक्शन कैन ऑल्सो be represented by truth table. हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, यानी कि जितनी पॉसिबिलिटीज होगी उसको हम लोग कैसे ट्रूथ टेबल के थ्रू ड्रॉ करते हैं. लेट अस सी. सो दिस इज द ट्रूथ टेबल. नाउ ट्रूथ टेबल क्या करता है, ट्रूथ टेबल जो है जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इन तीन वेरिएबल के, यानी कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1, इन सब के कॉम्बिनेशन को हमने एज ए इनपुट लिख लिया. ये हमारा इनपुट है यानी कि फंक्शंस, और ये कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट. तो वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई की जो वैल्यू है a + bc. लेट अस सी. अब a को अगर b into c कीजिए तो 0 और प्लस कर दे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 0. सिमिलरली ये a
और प्लस बी इंटू सी, ए बी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, और प्लस जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, वन इंटू वन वन, और जीरो से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वन, फिर जीरो इंटू जीरो जीरो, और वन से इसके साथ ऐड करेंगे तो ये वन आ जाएगा, फिर जीरो इंटू वन, जीरो इंटू वन कितना हो गया, जीरो प्लस वन में करेंगे तो वन हो जाएगा, ये जीरो प्लस वन वन, वन इंटू वन एंड प्लस वन कितना हो जाएगा वन। तो यानी कि ये सारी वैल्यू देखिए ये हमारा ट्रुथ टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ एक और चीज है, इसको हम लॉजिक गेट से भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देखना, इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लॉजिक गेट्स। हाउ, लेट अस सी, I'll take some example. तो हमारा y function क्या है, f is equal to a comma b comma c is equal to a plus bc. Now, what is here? अब हमें देखना है कि हमें इसको थ्री operations के through कैसे implement करें। तो क्योंकि देखो बीच में और है, यहाँ पे and है, यानी कि अगर मैं ऐसे करूँ a और b into c के लिए, b और c के लिए हमने लगा दिया है and gate, यहाँ देखिए and gate, और इन दोनों को हमने क्या किया, और गेट में लेके आ गए इन दोनों को, ये और गेट, ये क्या है, सॉरी ये, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी एंड सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी, और ये यानी कि ए प्लस बी सी, ये हो गया गेट इंप्लीमेंटेशन, यानी गेट के थ्रू भी हम बूलियन फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। So now, after Boolean functions, अब कितने types के Boolean functions हैं? So there are mainly two types of Boolean functions. कौन कौन से, किस तरीके से हम represent कर सकते हैं Boolean functions को? पहला sum of products, और कि इसको क्या बोलते हैं, एस ओ पी, और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि पी ओ एस। तो लेट अस सी वन बाय वन बोथ, फर्स्ट वन इज एस ओ पी, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, जैसे नाम से पता चल रहा है उसी तरीके से इसको भी हम एक लाइन में ही इसको हम बात करेंगे, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें एसओपी में कि द एसओपी फॉर्म या एसओपी एक्सप्रेशन लिखे ज्यादा बेहतर होगा, एसओपी एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर, क्या करना है मुझे, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का सम करना है, यानी कि टू और मोर एंड टर्म्स मतलब मल्टीप्लीकेशन टर्म्स ऑर्ड टूगेदर, यानी कि इन दोनों का और किया गया है, ऑर्ड टूगेदर, मैं इन दोनों को हाईलाइट कर रहा हूं, अंडरलाइन, एंड टर्म्स ऑर्ड टूगेदर। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, जैसे क्या करना है मुझे, पहले प्रोडक्ट टर्म लेना है, एंड टर्म्स लेना है, उनको दोनों को ऑड कर देना है, यानी कि जैसे आपने ले लिया फंक्शन, कुछ फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हो गया, ए बी सी प्लस ए, अब देखो ये प्रोडक्ट है, इसको और कर रहे हैं, बी ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, इस तरीके से कुछ ये हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे बीच में और है, ये देखिए ऑड किया गया है, और इन ये जो सारे टर्म्स हैं, यानी कि ये जो टर्म्स हैं ये क्या है, एंड टर्म्स हैं, ये एंड टर्म्स हैं, ये भी एंड टर्म्स हैं, ये भी एंड टर्म्स, बट बीच में क्या है, बीच में हमारे इसको एंड टर्म्स को और, यानी कि मल्टीप्लाई, सिंपल वर्ड में देखा जाए मैं बोलूं तो, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का सम है ना, मल्टीप्लीकेशन
का सम, यानी यानी क्या ना, तो मल्टीप्लीकेशन जितने टर्म्स होंगे उसको आप सम कर दीजिए। सिमिलरली अगर सेकेंड टर्म सेकेंड वाले की बात करो, यानी कि POS, नाम से पता चल रहा है POS का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले सम करेंगे उसका प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे इसी को एक लाइन में द POS एक्सप्रेशन कंटेंस टू और मोर और टर्म्स, और मतलब समेशन, और टर्म्स एंडेड टूगेदर, मल्टीप्लाइड टूगेदर, एंडेड टूगेदर। अब मैं इन दोनों टर्म को हाईलाइट कर रहा हूं ताकि टू और मोर और टर्म्स एंडेड टूगेदर। यहां पे ये एंड टर्म्स का मतलब हो गया कि मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लीकेशन, और का मतलब समेशन। और यहां पे, यहां पहले समेशन है, यहां पे सम टर्म को हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। अंडरस्टैंड? तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, देखो पहले हमें क्या करना है, सम करना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार, कुछ भी। मतलब ये अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये सारे सम प्रोडक्ट है, सम, यहाँ भी सम और यहाँ भी सम, और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, है ना, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया एसओपी एंड पीओएस का एग्जांपल। नाउ एसओपी एंड पीओएस फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, कैनोनिकल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड और कैनोनिकल, यू कैन से कैनोनिकल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एसओपी एंड पीओएस फॉर्म से जो हमारा स्टैंडर्ड ये फॉर्म है उससे हम एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या, लेकिन तो इसको यानी ऐसे कह सकते हैं कि इफ ईच टर्म ऑफ एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन कंटेंस ऑल वेरिएबल्स ब्रैकेट में लिटरल्स, ऑल वेरिएबल्स, देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी है, और अगर ये दिया हुआ है ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, तो ये कहलाएगा इसमें सारे ऑल लिटरल्स प्रेजेंट है, तो यानी कि ये कहलाएगा स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा लिखता हूँ पीओएस के फॉर्म में, यानी कि ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी, कुछ भी मतलब इस टर्म्स में, तो ये क्या हो गया, कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा, कैनोनिकल फॉर्म। अंडरस्टैंड? नाउ कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो लेट अस सी कुछ एग्जांपल्स ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि कैनोनिकल फॉर्म कैसे होता है, जो मिसिंग टर्म्स होते हैं, अगर कुछ मिसिंग टर्म्स होंगे अगर किसी भी वेरिएबल्स में, तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर वन. अगर गिवन है कि y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी. अब इसको पूछा जा रहा है कि कन्वर्ट दिस इनटू कैनोनिकल फॉर्म. नाउ तो सबसे पहले देखा जाए कि कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. क्यों? क्योंकि तीन वेरिएबल है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन सब में तीनों वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है. तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट अस सी हियर. वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी. सो लेट अस सी हियर क्या है. यहाँ पे सी इज मिसिंग टर्म, सी मिसिंग टर्म है. यहाँ पे बी मिसिंग टर्म है और यहाँ पे ए मिसिंग टर्म है. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी और सी अगर मिसिंग है तो हम यहाँ पे इनटू कर देंगे सी प्लस सी बार, क्योंकि सी प्लस सी बार की वैल्यू वन के बराबर होगी. तो वह ए बी में अगर वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. उसी तरीके से यहाँ पे क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है, तो ए सी बार बी प्लस बी बार. सिमिलरली प्लस बी सी इंटू ए प्लस ए बार. और इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस. अब इसको हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे ताकि मुझे फाइंड आउट करने में आसानी हो. ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस यहाँ से ए बी सी प्लस ए बार बी सी. नाउ हमें क्या करना है कि देखना है कि कोई रिपीटेशन तो नहीं है. जिसमें रिपीटेशन है उसको हटा देंगे. जैसे ए बी सी, ए बी सी दो बार रिपीटेशन है तो उसको एक ही रखेंगे. ए बी सी बार, यहाँ भी ए बी सी बार है, उन दोनों में से एक, क्योंकि ए प्लस ए की वैल्यू क्या होती है, ए के बराबर होती है, इसीलिए एक ही टर्म को रखना है मुझे. और ये अलग अलग टर्म्स हैं तो जो हमारी फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि जो फाइनल वैल्यू होगी वो कितना के बराबर होगी. सी हियर ये y इज इक्वल टू, लेट मी सेलेक्ट सम. सो y इज इक्वल टू ये हो गया ए बी सी प्लस ए बी सी बार. ये दोनों रिपीटेड है तो एक ही एक बार लिखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे. यानी कि इसको हमने हटा दिया, इस टर्म को हटा दिया. ओके इसके बाद ये बाकी सिंगल सिंगल बार है, ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी. सो दिस इज योर स्टैंडर्ड. हमने फॉर्म क्या उठाया था, ये, और इसे हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. उसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं पीओएस का, एग्जाम्पल नंबर टू, दिस इज लाइक y is equal to a plus b into a plus c into b plus c bar. Okay? So अगर हम इसको बोलें कि इसे आप कन्वर्ट कीजिए स्टैंडर्ड यानी कि कैनोनिकल फॉर्म में, कन्वर्ट दिस इंटू कैनोनिकल फॉर्म. सो फॉर इस केस में हम क्या करते हैं कि इसके लिए फिर से हम देखते हैं पहले मिसिंग टर्म क्या है सॉल्यूशंस में, कि कौन कौन सा मिसिंग है. तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी में से अगेन क्या है, c मिसिंग है ना. सिमिलरली अगर हम इंटू ए प्लस सी की बात करें तो इसमें क्या है, b मिसिंग है. और अगर हम b प्लस सी बार की बात करें, b प्लस सी बार, तो क्या है, a मिसिंग है, मतलब a नहीं है इसमें. तो क्या करेंगे हम इसको, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y is equal to a प्लस बी प्लस सी इंटू सी बार, क्योंकि c इंटू सी बार किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा. उसी तरीके से क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, a प्लस सी प्लस बी इंटू बी बार. और उसी तरीके से b प्लस सी बार प्लस ए इंटू ए बार, बिकॉज वी जानते हैं चूंकि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू जीरो. सो नाउ एक और हमें इक्वेशंस जानते हैं, उसको हम बोलते हैं अगर ए प्लस बी सी है तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी. यानी कि या उस दूसरे तरीके से अगर ए प्लस बी प्लस सी डी है इस तरीके से, तो क्या लिख सकते हैं इसको,
ये देखो ए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले एक बार ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरी बार ए प्लस बी प्लस डी. सो दिस इज नथिंग बट, तो उसी तरीके से हमें इन्हें एक्सपेंड करना है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक बार बार के साथ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बार, यानी कि ये दो मल्टीप्लीकेशन वाले में है ना, यानी कि एक बार सी के साथ, ए प्लस बी तो कॉन्स्टेंट है, ए प्लस बी प्लस एक बार सी के साथ, एक बार सी बार के साथ. यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, तो हम यहाँ पे ए प्लस पहले बी को रख दें, ए प्लस बी प्लस सी इंटू अब बी बार यूज करना है, तो ए प्लस बी बार प्लस सी. उस तरीके से यहाँ पे एक बार ए यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बार, और दूसरी बार में ए बार यानी कि इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार. अब हमें देखना है कि क्या कुछ डिजिट्स कोई वैल्यूज रिपीटेड भी है, तो ए प्लस बी प्लस सी और दोबारा ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बार है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी बार है, तो इन दोनों को हम हटा देंगे क्योंकि दो बार हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए प्लस ए की वैल्यू यही होती है. तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार. सो दिस इज योर स्टैंडर्ड एसओपी बीओएस फॉर्म, यानी कि कैनोनिकल फॉर्म. अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास दिया रहेगा तो उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम क्या करते हैं, कुछ नोटेशंस, एम नोटेशंस के बारे में बात करते हैं. यानी कि जब हमने एसओपी एंड पीओएस के बाद बात किया तो इसी में एक इसी का एक टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं एम नोटेशंस. मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मीन टर्म्स, मीन टर्म्स और एंड मैक्स टर्म्स, मैक्स टर्म्स, mean terms and max terms. So let us start with what is mean terms and what is max terms. Okay. So belong, let us hear. So mean terms. Mean terms. So mean terms का मतलब ये हो गया कि जितने भी term, individual terms होंगे SOP में, यानी कि in standard SOP form, यहाँ पे in standard SOP form, each term is called mean term. यानी कि simple word में in this case, इस case में, यानी कि mean term के case में, in this case complement of variable is represented by, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, by zero, zero से रिप्रेजेंट करते हैं, and without complement with one, for example इस तरीके से zero को with complement यानी कि a बार से, और one को without complement यानी कि a से. okay now इसको मतलब denote कैसे करते हैं, and it is denoted by a small m. okay, mean terms को हम लोग small m से denote करते हैं. example देख लेते हैं. example के लिए अगर कोई function given है, जैसे y is equal to कोई स्टैंडर्ड, पहले क्या करना है एसओपी देखना है, एसओपी तो यानी कि ए बी सी कुछ भी, कोई भी आप ले सकते हो, ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी. नाउ अभी क्या करना है, जीरो को आपको बार से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जहां भी बार होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा,
उसकी जगह पे जीरो रखेंगे हम लोग, और प्रोडक्ट के टर्म्स में नहीं, उसके सामने, उसके जस्ट रिप्रेजेंट, जैसे मान लो जी ए बी सी, ए को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वन वन वन, यानी कि हो जाएगा ये वन वन वन, ये प्लस ये ए बी बार सी क्या बन जाएगा, तो ए को हम वन, बी बार की जगह पे जीरो और सी की जगह पे फिर वन, प्लस ए इंटू नहीं करना है हमें, जस्ट उसके सामने वैल्यू रखनी है, यानी कि वन वन जीरो प्लस ये वन जीरो वन। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल, वन वन को मैं सेवन लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये वैल्यू वन जीरो वन फाइव, इसका कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल सिक्स, इसका कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल क्या होता है अगेन, अच्छा ये दो बार लिखा हुआ है मैंने, तो इसको ए बी सी कुछ और कर लेते हैं, ए बार बी बार सी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो वन, यानी कि ये हो जाएगा वन। अब इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन टर्म्स को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या बोलेगा, बोला जाएगा एम सेवन, यानी कि ये सेवेंथ टर्म का, यानी कि एम मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू सेवन। इस तरीके से एम फाइव, एम सिक्स और एम वन, और इसको कम्प्लीटली हम जो फाइनल रिप्रेजेंट करेंगे समेशन ऑफ एम से, क्योंकि सम है, तो समेशन ऑफ एम और उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले वन, फिर फाइव, फिर कॉमा सिक्स, कॉमा सेवन, तो ये कहलाया कंप्लीट। एक एक इसमें मीन टर्म्स हैं, यानी कि ये स्मॉल मीन टर्म्स हैं, सारे टर्म्स मीन टर्म्स हैं, और ये कंप्लीट बन गया एक एक्सप्रेशन एसओपी का, अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर आप पीओएस की, यानी कि मैक्स टर्म की बात करोगे, मैक्स टर्म्स, तो मैक्स टर्म्स का मतलब क्या हो गया, ये एग्जिस्ट करेगा पीओएस में, यानी कि ईच टर्म इन पीओएस स्टैंडर्ड, यानी कि ईच टर्म इन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। जैसे यानी कि इस केस में क्या करते हैं, इन दिस केस, जस्ट उसका अपोजिट, इन दिस केस वेरिएबल्स with complement is represented by one, उसके अपोजिट, and without complement with zero, for example, zero without complement, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए से, और वन विथ कॉम्प्लीमेंट, विथ कॉम्प्लीमेंट का मतलब फॉर एग्जाम्पल ए बार, और इस केस में इसका जो नोटेशन होता है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। ओके, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर y इज इक्वल टू ए प्लस, पीओएस की फॉर्म लिखना है मुझे, ए प्लस बी, स्टैंडर्ड पीओएस, ए प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी, या ए प्लस बी बार प्लस सी। अब इसमें हमें जस्ट यहां ध्यान देना है कि क्या करना है, कि a की जगह पे, यानी कि विदाउट कंप्लीमेंट जीरो लिखेंगे, यानी कि जीरो जीरो जीरो, और इनटू ये क्या हो जाएगा, वन बार वाला हो जाएगा वन, यानी कि वन जीरो जीरो, और इधर क्या हो जाएगा, विदाउट कॉम्प्लीमेंट जीरो वन जीरो, और इसकी वैल्यू ये क्या बनेगी, ये जीरो 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 को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वन जीरो जीरो, यानी कि सिक्स को, फोर को, सॉरी फोर फोर डेसिमल, और ये जीरो वन जीरो टू डेसिमल। अब इसको हमें, इसका नोटेशन क्या होता है, एम, तो इसको क्या लिखेंगे, एम जीरो, मैक्स टर्म जीरो डेसिमल, ये फोर और ये टू, और इसको अगर हम एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे, तो सम, अब यहाँ पे क्या, समेशन जगह पे प्रोडक्ट पाई ऑफ एम इनटू को किस पोजीशन पे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, पहले जीरो टू कॉमा फोर, वाइस वर्सा, यानी कि यहां से हम इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं और इससे हम इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स।
एक और चीज है, नोट नोट में आप लोग इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की नोट कि मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर, यानी कि मैं यहां पे लिखवा दे रहा हूं कि मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स फॉर एनी बुलियन एक्सप्रेशन, आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इस बात को बिल्कुल ध्यान दे, क्योंकि बार बार मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास मीन टर्म है, मीन टर्म पहले से दिया हुआ है, मीन टर्म्स y इज इक्वल टू समेशन ऑफ m 0, 2, 4, 6, 7, 9, 13. सिंपल सी बात है, फोर वेरिएबल है, 15 तक जाना चाहिए, 0 to 5. तो अगर इसका मैक्स टर्म क्या होगा, इसका मैक्स टर्म बिना कुछ किए हुए आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू पाई ऑफ m, जो इसमें मिसिंग टर्म्स है. मिसिंग टर्म्स क्या है, 1, 3, 5, 6 है, 7 है, 8 है, 9 भी है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, और 15 तक जाएगा, क्योंकि 4 वेरिएबल 15 तक जाता है, 0 to 15, है ना. तो ये हो गया आपका मैक्स टर्म, इन दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए लेट अस विल सी फर्दर, कन्वर्ट, यहां पे कन्वर्ट एसओपी इंटू पीओएस, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इससे हम लोग आइडिया लग जाएगा. कन्वर्ट एसओपी इंटू पीओएस, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप लोगों को दोनों चीजें हो जाएगी. एक ट्रूथ टेबल लेता हूं मैं, और ट्रूथ टेबल से ये ट्रूथ टेबल से हम इसका एसओपी एंड पीओएस फॉर्म कैसे लेंगे वो भी देख लेंगे. और दूसरा, हम जैसे एक कोई ट्रूथ टेबल है जो ए बी एंड कॉरस्पॉन्डिंग सी है, यानी कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, तो हमें हो 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. अब आप कोई भी इसमें वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग ले सकते हैं, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो होगा वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि मैंने यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आ रहा है, ये वो आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है 1, ये आ रहा है 0. ओके, दिस इज सपोज कर लिया कि हमारा इस तरीके से मेरा इक्वेशंस आ रहा है. तो अब हम क्या करते हैं, पहले मीन टर्म्स की बात करते हैं. मीन मतलब एसओपी, है ना. तो एसओपी की हम बात करें, अगर एसओपी, तो इससे पहले हम क्या देखेंगे, मीन टर्म यानी कि 1 को देखेंगे यहाँ पे, 1. तो ये यहाँ 1 है, आउटपुट जो है मेरा 1 है सी. ओके, अब इसको, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्ड लिखेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी. एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट. तो पहले प्रोडक्ट लिखें, ये क्या है, ए और बी, ठीक है. अब एक चीज बताओ कि जब हम एसओपी के टर्म्स में लिखते हैं तो 0, 0 को कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं या विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, जस्ट थिंक एंड लेट अस नो. यानी कि 0, 0 को हम क्या लिखते हैं, विथ कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं. जब भी हम इसकी बात करेंगे तो क्या करेंगे, 0 को विथ कॉम्प्लीमेंट और इसको विदाउट, यानी कि इसकी, इसको मान लेते हैं कि ये पहला आउटपुट यानी कि वाई वन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों पहला ए बार एंड बी बार. और ये सेकेंड आउटपुट यानी कि अगर वाई टू देखा जाए, यानी कि दूसरा प्रोडक्ट कहें, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बार. और जो कंप्लीट मेरा आउटपुट, और दोनों का सम होता है, इजंट इट, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट तो निकाल दिया हमने, इन दोनों को सम कर दीजिए, तो फाइनल जो मेरा आउटपुट होगा, सो आउटपुट यानी कि एसओपी का जो आउटपुट होगा कंप्लीट सी इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, यानी कि ये हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी बार. क्योंकि ये पूरा स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है, तो हम चाहें तो इस तरीके से इसकी वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं, वापस ये निकाल सकते हैं, यानी कि ये क्या है, 0, 0, और ये क्या है, 1, 0. तो 0, 0 का मतलब, 0, 0 का मतलब देख सकते हो कि 0, 0 का डेसिमल क्या होता है, 0, और 1, 0 का डेसिमल क्या होता है, 2. यानी कि मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं कि ये वैल्यू है m0 और ये m2, यानी कि y c इज इक्वल टू
समेशन ऑफ m 0.2, ठीक है। ये एसओपी का मीन टर्म्स के तौर पे साथ, देखो पहले ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल से हमने उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लिख दिया या और उसके एसओपी फॉर्म लिख दिया, यानी कि ऑलमोस्ट सब कुछ हम कर सकते हैं। नाउ अगर इसी को मैं पीओएस के लिए लिखूं, पीओएस के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को पकड़ेंगे, इन दोनों जीरो को, और हमें पता है कि इसको किसके फॉर्म लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। तो पहले क्या करेंगे, हम सम लिखेंगे इसका, इनका, ये। अब ये जीरो किसके बराबर हो जाएगा सम के केस में, जीरो जो होगा यहाँ पे विदाउट बार, यानी कि ये हो जाएगा ए बार, और ये विथ प्लस जो हो जाएगा, सॉरी उल्टा, विदाउट कॉम्प्लीमेंट, विदाउट कॉम्प्लीमेंट का मतलब बिना बार के, है ना, तो यानी कि ये ए प्लस वन कॉम्प्लीमेंट के साथ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी बार, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लास्ट वाला दोनों है, तो यानी कि इसके लिए हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, है ना। अब अगर मैं इन दोनों को y के, यानी कि c इज इक्वल टू मैं करूं कि y1 प्लस y2, यानी कि क्या होगा, सॉरी इसको तो प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है मुझे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, हमने सम निकाल दिया, ये दोनों सम के फॉर्म लिख दिया, इसका प्रोडक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट इसका, a प्लस b बार, a प्लस b बार, a प्लस b बार इंटू a बार प्लस b बार। अब इसकी वैल्यू लिख दें, ये आ गया हमारा इस मिन टर्म के तौर में, यानी कि फाइनल मेरा आंसर हो गया पीओएस के फॉर्म में, कहां से, ट्रुथ टेबल से, ट्रुथ टेबल डायरेक्टली हमने लिख दिया। नाउ अगर मुझे और ट्रुथ टेबल में पीओएस के लिए मुझे जीरो को कंसीडर करना है और एसओपी में मुझे वन को कंसीडर करना है, उस तरीके से अगर मैं इसका मैक्स टर्म के तौर में वैल्यू लिखूं तो क्या होगा, ये देखिए ए रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए रिप्रेजेंट करेगा जीरो को, और बार किसको रिप्रेजेंट करेगा, वन को, तो ये जीरो वन हो गया, इनटू ये क्या हो गया, दोनों वन वन हो गए। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, वन एम, और जीरो वन किस रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल वन को, और ये थ्री को, और इसका इसका सी इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई ऑफ एम, क्या है ये, वन कॉमा थ्री। नाउ इन दोनों को आप मैच कीजिए, मतलब मान लेता हूँ कि ये वन है वन और ये है टू, सो कंपेयर दिस इक्वेशन, क्या इक्वेशन वन एंड टू एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, यानी कि इक्वेशन वन एंड टू आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना, यानी कि अगर आपने एक कोई निकाल लिया तो जस्ट आपको क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, दूसरा निकल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा आज के डेट में, मीन टर्म्स, मैक्स टर्म, एसओपी, पीओएस मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, इसके बुलियन फंक्शंस, उससे ट्रुथ टेबल बनाना, ट्रुथ टेबल से बुलियन फंक्शंस बनाना, सो उसके थ्रू लॉजिक गेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट करना, एवरीथिंग वी कैन डू इट आउट। सो आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा बुलियन अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया, आगे आने वाली क्लास में हम लोग इस पे के मैप पढ़ेंगे, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना है, थैंक यू, आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, के मैप के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।